दोस्तों आपको ये ख्याल बार बार परेशान करता होगा कि सबसे बड़ा कारण क्या है जिससे कि लोग इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते। इंग्लिश बोलना सीखना एक रेगुलर प्रैक्टिस है। जैसे आप किसी भी काम को करते हैं तो आप उसे यदि रेगुलरली करते हैं तभी आपका उसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको बहुत जबरदस्त मोटिवेशन चाहिए, आपको रेगुलर मोटिवेशन चाहिए कि कोई आपको रोज बता दे कि आपको क्या करना है और ये कैसे करना है। यदि आपके पास कोई बड़ा कारण नहीं है अंग्रेजी बोलना सीखने का तो फिर आप दोस्तों कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं, आप ढीले पड़ जाते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप कुछ लर्निंग नहीं करते। आप चाहे वीडियो देखें, चाहे आप कोई सॉन्ग सुने, चाहे कोई ऑडियो क्लिप सुने, चाहे कोई कॉन्वर्सेशन सुने या फिर कुछ रीडिंग करें, आपको डेली लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आप किसी भी काम में परफेक्ट तभी होते हैं जब आप उसे डेली करते हैं। आप यदि डेली शेव करते हैं तो आप शेव करने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप यदि डेली कार चलाते हैं तो आप कार चलाने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप डेली कुकिंग करते हैं तो आप डेली कुकिंग करने में जब लगते हैं तो उसमें धीरे 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 एक्सपर्टाइज आ जाती है। जो लोग सिंगिंग की प्रैक्टिस डेली करते हैं वो एक वंडरफुल सिंगर बन जाते हैं, और जो डांस की प्रैक्टिस करते हैं वो डांसर बन जाते हैं, जो क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करते हैं वो क्रिकेटर बन जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यदि आप किसी भी चीज में एक्सपर्टाइज हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको उसे डेली प्रैक्टिस में शामिल करना ही पड़ेगा। आप चाहे कैसे भी करें, चाहे कैसे भी करें, आपका मन करे ना करे, आपके पास टाइम हो या ना हो। दोस्तों कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों टाइम केवल उन चीजों के लिए नहीं होता जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है या जिनकी हमें जरूरत महसूस नहीं होती। जिन चीजों को करने की जरूरत हमें महसूस होती है उसके लिए तो हम टाइम निकाल लेते हैं। आप मोबाइल चलाने के लिए कैसे दो दो मिनट पांच पांच मिनट का टाइम निकाल लेते हो? कोई आपसे बात कर रहा है फिर भी आप मोबाइल यूज कर रहे हो, कोई आपसे जरूरी बात कर रहा है आप फिर भी बार 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 मोबाइल चलाते हैं, आप इवन जब पढ़ रहे होते हैं तब भी आप बीच बीच में मोबाइल यूज करते हैं। तो क्योंकि उसका आपको शौक है, उसका आपको इंटरेस्ट है। जब आपको ये समझ में आ जाता है कि ये चीज मेरे लिए जरूरी है तो फिर आप टाइम निकाल लेते हैं, या फिर उस चीज में आपका इंटरेस्ट हो तो आप उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरीके से यदि इंग्लिश को आप जरूरी मान लेंगे तो फिर आप इसके लिए टाइम निकाल लेंगे, या फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आप उसके लिए टाइम निकाल लेंगे। तो यही एक कारण है, यही सबसे बड़ा कारण है कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट महसूस नहीं करते या इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप उसे डेली प्रैक्टिस नहीं करते। इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट्स ए मैटर ऑफ रिग्रस प्रैक्टिस एवरी डे। ये रोजाना प्रैक्टिस करने से इतनी आसानी से आप फ्लुएंसी डेवलप कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। डू इट फॉर 20 डेज and you will see a remarkable change in your English speaking confidence. मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।